लोकसभा चुनाव का काउंटडाउन शुरू हो चुका है और हिमाचल प्रदेश में युवक कांग्रेस ने भी पूरी तैयारी कर ली है कि कैसे हिमाचल प्रदेश में 4 लोकसभा सीट कांग्रेस की झोली में जाए। आज कांगड़ा चंबा लोकसभा क्षेत्र को लेकर एक बैठक युवा कांग्रेस ने की है। मनीष इस वक्त मेरे साथ हैं जो युवा कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। मनीष, सबसे पहले बताइए कि बैठक में आज क्या बात हुई है? देखिए, आज लोकसभा कांगड़ा चंबा की बैठक रखी है, इसमें हमारे सभी विधानसभा के अध्यक्ष और जो कांगड़ा चंबा लोकसभा के प्रदेश के पदाधिकारी हैं, जितने महासचिव, सचिव, संयुक्त सचिव और दूसरे ये ऑफिशियल्स की बैठक आज हमने रखी है। ये लोकसभा चुनाव की जो तैयारी है वो तो काफ़ी पहले से ही 10-11 महीने से यूथ कांग्रेस जिस तरह के जनहित के जो मुद्दे हैं उठाते रही है, चाहे प्रदेश सरकार की बात हो, चाहे केंद्र सरकार की जन विरोधी नीतियों की बात हो, उनके खिलाफ यूथ कांग्रेस ने हमेशा आवाज़ उठाई है। और आज उसी कड़ी में आप देख रहे होंगे कि भारतीय युवा कांग्रेस ने पिछले एक महीने से एक यात्रा का आगाज़ किया है कि जिस तरह से 4.5 साल में जुमलेबाजी नरेंद्र मोदी जी ने की है, उन जुमलेबाजी को एक्सपोज करने के लिए भारतीय युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उपाध्यक्ष 22,000 किलोमीटर की एक यात्रा कन्याकुमारी से कश्मीर तक जो शुरू हो चुकी है, और उसी कड़ी में 20 जनवरी को वो यात्रा कश्मीर से कंडवाल बैरियर होते हुए हिमाचल के अंदर नूरपुर में एंटर करेगी और वहाँ पर नूरपुर के अंदर एक विशाल जनसभा का आयोजन किया जा रहा है। यूथ कांग्रेस के साथ ही कम से कम 2,500-3,000 की संख्या में जो यूथ कांग्रेस के साथ ही उसमें भाग लेंगे और उसके बाद वो यात्रा आगे बढ़ते हुए शाहपुर और धर्मशाला के साथ ही वहाँ पर बैठक करेंगे और कांगड़ा में उसका नाइट स्टे रहेगा। और कांगड़ा में भी एक यूथ कांग्रेस के साथियों की जो सराउंडिंग की विधानसभा है उसमें बैठक रखेंगे और हमारे राष्ट्रीय जो अध्यक्ष है उस बैठक में संबोधित करेंगे। 3 दिन की यात्रा हिमाचल से होते हुए अंत में 22 तारीख को जो ज्वालाजी, अम्ब, ऊना होते हुए नालागढ़ बद्दी होते हुए रात को बद्दी में स्टे और अगले दिन पौंटा और नाहन के अंदर बैठक होते हुए उत्तराखंड जाएगी। और इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य ये कि इस हिंदुस्तान की जनता को जो 4.5 साल पहले जो झूठे वादे नरेंद्र मोदी जी ने किए थे उनके खिलाफ उसको उजागर करना है। मनीष, युवा कांग्रेस का रोल क्या रहने वाला है, क्योंकि अगर कांग्रेस सत्ता में आए या फिर हिमाचल प्रदेश की 4 की 4 सीटें कांग्रेस की झोली में जाए, इसमें युवा कांग्रेस का रोल बड़ा अहम रहेगा। अब आज़ादी के इतने साल में हमने देखा युवा कांग्रेस का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट रहा है। आपकी जो प्रतिद्वंदी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, उनका फोकस भी यूथ ही रहता है, तो आप ऐसा क्या अलग करने वाले हैं कि जो युवा हैं वो आपके साथ जुड़े? देखिए, निश्चित तौर पर 2014 से पहले के जो आंकड़े आप देखेंगे, नरेंद्र मोदी जी ने किस तरह से इस हिंदुस्तान के नौजवानों को झूठे वादे किए थे और रोजगार एक सबसे बड़ी चुनौती उस समय थी। उन्होंने कहा था कि 2 करोड़ लोगों को नौकरियां दूंगा और किसानों का कर्जा माफ़ होगा, महिलाओं की सुरक्षा के लिए सख्त कानून लाए जाएंगे और काला धन आएगा। तो उन सब बातों में आकर उस समय जो फर्स्ट टाइम वोटर है, खास तौर पर युवाओं ने एक ऐसा कमाल किया और उनको ये लगता था कि नरेंद्र मोदी जी उनके मसीहा बनकर आए हैं और उनकी समस्या का निवारण वही करेंगे। लेकिन आज उसके विपरीत इन्होंने 4.5 साल में जो नुकसान, जो लगा हुआ रोजगार था नोटबंदी के माध्यम से उसको छीना है और जो GST के माध्यम से जो लघु मध्यम उद्योग है वो उजड़ चुके हैं, उसमें जो नौकरियां जो मिलनी थी वो उल्टी उससे उन्होंने खोई है। और अभी तक का जो आंकड़ा है, जो 4.5 साल में उनको नौकरियां मिलनी चाहिए थी 2 करोड़ के हिसाब से 9 करोड़, लेकिन जो RTI के माध्यम से भारतीय युवा कांग्रेस ने भी जानकारी हासिल की, मात्र 4.5 सालों में 7.5 लाख लोग युवाओं को नौकरी मिली, सरकारी और गैर सरकारी दोनों क्षेत्र में। बेरोजगारी की अपने बात की, बड़ा इंपॉर्टेंट विषय आपने उठाया, ये हिमाचल प्रदेश है, यहाँ पर हमने देखा कि जब वीरभद्र सिंह की सरकार थी तो एक बेरोजगारों को एक पेंशन दिया, एक मदद की गई कि भाई अगर आपको रोजगार नहीं मिला सरकार आपको मदद करेगी, वर्तमान सरकार ने उसे बंद कर दिया है। कांग्रेस पार्टी विपक्ष की पार्टी है, जिस तरीके से अभी मैं धर्मशाला में जो विधानसभा का सत्र था, मैं पूरे सत्र में था, उस तरीके की आवाज़ विपक्ष की ओर से नहीं उठी। क्या युवा कांग्रेस को लेकर सड़क पर आएगी कि भाई आपने क्यों बंद किया, अगर आप रोजगार नहीं दे सकते हो, किसी को कुछ अगर मदद सरकार की ओर से हो रही है तो उस मदद को क्यों रोका जा रहा है? नहीं, निश्चित तौर पर जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने 1 साल पहले इन्होंने अपने घोषणा पत्र में भी यही किया था कि हिमाचल के युवाओं को रोजगार दिया जाएगा, बेरोजगारी भत्ते को बढ़ाया जाएगा, जिस तरह से आप कह रहे कि इन्होंने बंद किया, निश्चित तौर पर हम तो जगह जगह उसके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं और आने वाले समय में भी हम जो अभी विधानसभा का जो सत्र 26 या 28 जनवरी से चालू होगा तो हम इसमें घेराव करने जा रहे हैं। जो युवाओं के बारे में इन्होंने जो छलावा किया था उस समय, जो
बेरोजगारी भत्ते के जो हमारे चेयरमैन थे जिन्होंने यात्रा के माध्यम से पूरे प्रदेश के अंदर जीएस बाली जी और तमाम जो कमेटी के सदस्य थे दूसरे हमारे वरिष्ठ नेता उन्होंने इसमें प्रमुखता से वो बातें रखी। निश्चित तौर पर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और तमाम नेताओं से मिलकर हम इसके तथ्य जुटाएंगे और आने वाले समय में जब फरवरी के अंदर जब विधानसभा का सत्र बैठेगा हिमाचल प्रदेश के अंदर तो हम इस मुद्दे को लेकर जरूर सड़कों पर उतरेंगे और घेराव करेंगे विधानसभा का। मनीष, आखिरी सवाल मेरा आपसे, आप अपने साथियों के साथ मिल रहे हैं, उनको कई युवाओं को पार्टी के साथ जोड़ रहे हैं क्योंकि लोकसभा चुनाव फरवरी एंड में अनाउंस हो जाएगा, उसके फिर वो टिकट वितरण होगा। युवा कांग्रेस की अपनी भूमिका चाहती है टिकट के मामले पे, क्या अपने आप आलाकमान के सामने ये मांग रखेंगे कि भाई युवाओं को भी टिकट दी जाए? देखिए, हमेशा ही यूथ कांग्रेस के ऊपर तो नज़र राहुल गांधी जी की रहती है, खुद वो मॉनिटरिंग कर रहे हैं, भारतीय युवा कांग्रेस के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, जो हमारे प्रभारी, वो देख रहे हैं। जो सक्षम होगा, आज की डेट में आपको पता है कि जिताऊ उम्मीदवार, हमारा एक लक्ष्य है इस देश के अंदर संविधान को बचाना है, कानून व्यवस्था को बचाना है, लोकतंत्र को बचाना है। बहुत से हमारे वरिष्ठ नेता हैं जो चुनाव जीत सकते हैं, पहले ही प्रायोरिटी उनकी रहेगी और निश्चित तौर पर आप देख रहे होंगे पिछले इतने सालों में राहुल जी ने बहुत से साथियों को, युवा कांग्रेस के साथियों को, चाहे आप राजस्थान की बात लो, चाहे छत्तीसगढ़ की बात लो, मध्य प्रदेश की बात लो, तीनों हमारे प्रदेश के अध्यक्षों को टिकट मिले और दो जगह राजस्थान के अंदर जो हमारा यूथ कांग्रेस का साथी है अशोक चांदना जी वो मंत्री बने, छत्तीसगढ़ के अंदर उमेश पटेल जी है उनको कैबिनेट मंत्री बनाया गया और कुणाल चौधरी जी जो हमारे मध्य प्रदेश में जो अध्यक्ष है वो विधायक चुनकर आए और बहुत से ऐसे साथी, एक साथी मध्य प्रदेश के अंदर है, मैं विधानसभा का नाम नहीं जानना चाह रहा हूँ, आदिवासी साथी है और एक जगह हमारे सुरजीत जी और अमित जी, बहुत से साथी गए, वो जीते और उनको मौका मिला और निश्चित तौर पर लोकसभा चुनाव के अंदर भी जो सक्षम साथी होगा उसकी जो पैरवी है, लगता है कि अगर वो कोई होगा तो उसकी बात हमारे सीनियर नेताओं के माध्यम से रखी जाएगी क्योंकि देखो जिन लोगों ने पार्टी को सींचा है पहला हक उनका बनता है। आज हमें इस देश के संविधान को बचाना है, राहुल जी को इस देश का प्रधानमंत्री बनाना है, एक लक्ष्य हमारा है कि 2019 के अंदर सत्ता में कांग्रेस पार्टी को लाना है, उसके लिए हमें कोई भी कुर्बानी देनी पड़े हम अपने नेताओं के साथ तन मन धन से और कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। चलिए, थे मनीष ठाकुर। कांग्रेस पार्टी की कोशिश फिलहाल यही है कि हिमाचल प्रदेश की जो चार सीटें हैं वो कांग्रेस की झोली में आ जाए। इसके लिए अगर युवा कांग्रेस के किसी साथी को टिकट नहीं मिलता, ये मनीष का कहना है, कुर्बानी देने को तैयार है, लेकिन इनकी मुहिम कितना रंग लाएगी ये संभवतः इस साल मई के अंत में पता चलेगा जब लोकसभा चुनाव के नतीजे आएंगे। कैमरा पर्सन मनोज के साथ धर्मराज सिंह, समाचार फर्स्ट।